नमस्कार नमस्कार माझा संकेत वैशाली गडलिंग बाय प्रोफेशन डिप्लोमा जसा जस्टिन सरांचा झालाय तसा प्लॅन झाला जस्टिन सरांचा जस्टिन आहे त्यांचा प्लॅन ऐकण्यासाठी मी आज स्पेशली इथे आलोय राईट तर जस्टिन सरांसाठी एका जोरदार डाळ झाला पाहिजे डिप्लोमा झाला म्हणून डिग्री झाली डिग्री झाल्यानंतर काय करतो आपण जॉब बरोबर की नाही तर एक चांगला जॉब आला होता वयाच्या चोवीस वर्षी दर महिना सॅलरी होती नऊ हजार रुपये आणि जॉब होता इथेच डोंबिवलीला ठाण्याला नाही तर जॉब होता दुबईला तर दुबईचा जॉब सोडून नऊ हजाराचा जॉब सोडून आज या प्लॅटफॉर्मवरती उभ्या आहे आज किती लोकांना वाईट वाटलं 50 रुपये खाली देतात किती लोकांना वाटलं नाही मला वाटत होत मला 3-4 वर्ष वाटत होत पण आज जेव्हा आलो ना सूट वगैरे सर्व आज माझी पर्सनॅलिटी बघून तुम्हाला मी बोलू शकतो की आज 1-1.5 लाख रुपयाचा खर्च केला पण जेव्हा ते बोलले ना खाली की 50 रुपये नाही द्यायचे तुम्हाला तेव्हा जे बरं वाटलं ना बोल तेव्हा जे बरं वाटलं ना त्याला बोलतात काहीतरी अचीवमेंट बरोबर की नाही तर किती लोकांना बरं वाटेल 1-2 वर्षात स्वतःला जर 50 रुपये नाही द्यावे लागले तर आणि किती लोकांना बरं वाटेल की स्टेजवर की हातात माईक भेटेल बोलायला तर हा त्याच्यासाठी या आमच्या सोबत जुडा जास्त काही नाही कोविड प्रूफ जसं बोलतो ना वॉटर प्रूफ मोबाईल तसं कोविड प्रूफ बिझनेस आहे मागच्या कोविड आल्यापासून जास्त नाही छोटी 11 लाखाची कार खाली उभी आहे कोविड मध्ये घेतली कारण की बिझनेस कोविड प्रूफ आहे तर कोविड मध्ये पण आमचे सर्व लीडर्सचे इन्कम चालू होतं आणि तेच कार घेतल्यानंतर परत 6 महिन्यानंतर दुसरी गुड न्यूज आली की स्वतःच 45 लाख रुपीज घर रुनवा गार्डन डोंबिवलीला बुक केलं ही माझी ताकद नाही आहे या सिस्टमची ताकद आहे महिलांची ताकद आहे तर आपल्या सर्वांना बेस्ट विशेष देतो ऑल द बेस्ट जय हिंद जय महाराज थँक्यू नमस्कार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसे कोई इंसान बैठा है जो जिंदगी में तरक्की नहीं करना चाहता ऐसा कोई है नहीं नहीं ना तो इतनी कम आवाज से मेरे ख्याल से तरक्की होने वाली नहीं तो तरक्की कर रहे हैं यस ओके फिर से एक बार नमस्कार नमस्कार ये ऐसा लगा कुछ एनर्जेटिक लोग हैं कुछ पूरा नहीं ब्रह्मा मजीद विश्वकर्मा है ये बिजनेस को जिन्होंने मुझे दिखाया एज अ ग्रेट गुरु आईटीसी विद्यावराज मिस्टर शैलेश सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जिस समय बिजनेस दिखाया गया था उस समय मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीआरसी एज जूनियर साइंटिस्ट 2009 की बैच का लड़का हूँ जॉब करता था सर ने बोला अजीत साइड है बिजनेस को तुम डेवलप कर सकते हो संडे का दिन यदि तुम 2-3 घंटे निकालते हो तो इस सिस्टम को पूरा आगे से इनकार के थ्रू क्लियर कर सकते हो मैंने खाट के ऊपर जैसे आज आप कल्याण में बैठे हो उसी खाट के ऊपर बैठे असेंडेटी में मैंने बिजनेस मीटिंग को अटेंड किया और लास्ट में निकलने के बाद एक चीज समझ में आया कि जिंदगी में तरक्की हो सके इतने लोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी में तरक्की तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ यदि मैं मेहनत करके पढ़ाई करके इंडिया लेवल की वैकेंसीज को बीट करके मैं भी जूनियर साइंटिस्ट हो सकता हूँ तो माय लाइफ में भी मैं टॉप लेवल पे जा सकता हूँ ऐसा मेरे माइंड में आया क्या आपके जीवन में सब कुछ हर है कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में आप आज कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं दिमाग लगा है सही है आपकी मेहनत लगी है पॉकेट में तो नहीं मिल रहा है सही है सेम थिंग यदि आपको पैसा कमाना है तो आप अपने दिमाग को साइड में रखिए जिन्होंने आपको लेके आए उनके दिमाग का यूज करना मीन्स आपको दिमाग भी अपना नहीं लगाना है मेहनत करना पड़ेगा जो मैंने किया सर के साथ मिल गया आज लाइफ में बहुत सारे बदलाव हुए बदलाव ऐसा हुआ कि आज के टाइम पे पहले सुबह में जाके फिंगरप्रिंट करना पड़ता था आज फिंगरप्रिंट नहीं करना पड़ता कितने लोग को चाहिए ऐसा टाइम बाकी लोग क्या चाहते हो जिंदगी भर वही 9-12 फिर 12-5, 5-6 जो भी होता टाइमिंग ऐसा कितने लोग पसंद है नहीं ना मुझे नहीं पसंद है यार 9-7 मैंने बाहर निकला नतीजा क्या निकला आज हजारों लोग की टीम है कोई नहीं पहचानता था मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे बढ़ना है तो डिसाइड जब हो गया कि आगे बढ़ना है तो लोग पीछे आना चालू हो जाएंगे बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्या आप रेडी है मुझे पहचान नहीं था मुंबई में एक भी लोगों से मतलब कहते हैं ना जब मैं यहाँ पे मुंबई आया था तो नौकरी करने के लिए से आया था क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है चलो नौकरी स्टार्ट पहचान नहीं था जब मैंने सर से बोला बोले अजीत जैसे तुम मुंबई आए हो पैसा कमाने के लिए वैसे मुंबई में जो लोग हैं ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं बट इनको जरिया नहीं मिल रहा लोग 15-20 हज़ार में एकदम एडजस्ट हो चुके हैं उनको उससे बाहर निकालने की जरूरत है तो मैंने अनजान लोगों को बिजनेस दिखाया था
और 55 लोगों से बिजनेस इसलिए दिखा है तो उनके लाइफ में परिवर्तन चाहिए था, उन्होंने भी टाइम निकाला हमारे साथ में। और वो लोग जैसे आज मैं आरटीसी हूँ, हमारे साथ में आरटीसी है, एसटीसी है, ऐसे सारे रैंक होल्डर मिला के लगभग 80 लोग है। कितने जो स्टेट का ऐसे 80 लोग हमारे साथ में रैंक होल्डर है। क्या मैं अकेले पैसा बना या सारे लोग बना रहे हैं? तो 100% आज आप स्टार्ट करोगे, आपके साथ में भी यही घटना घटने वाली जो मेरे साथ में 5 साल में घटा है। क्या रेडी है? yes! आ जाइए मिलके काम करेंगे, स्टॉल में जाएंगे हमारे। नमस्कार, मेरा नाम जागिंदर राठौर है, रेडी में थाने में रहता हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस करने के पहले मैं भी एक जॉब ही करता था, जैसे सर ने बताया। मैं जॉब करता था, मैकेनिकल लेवल का जॉब था मेरा, और मॉर्निंग में कुछ कार वगैरह वॉश किया करता था, 25 कार हुआ करती थी मेरे पास धोने के लिए। लेकिन ये बिजनेस को देखने के बाद यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़े लिखे भी बढ़ रहे थे, यहाँ पे अनपढ़ टाइप के बढ़ रहे थे। लेकिन मेरे को समझ में आता, मेरा एजुकेशन 7वीं तक था, मैं पढ़ा लिखा था। तो बिजनेस को देखने के बाद एक समझ में आया हमको, मैं बोला मैं वहां करूंगा पूरी जिंदगी भर भी तो बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ करने के बाद जो सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वो सिस्टम को फॉलो करते करते भी करेंगे तो अभी ज्यादा तो नहीं, बड़ा छोटा मोटा तो इनकम आ सकता है। लेकिन मैं जुड़ गया, मैं तत्काल में सर ने हमको बताया, जो आपको बिजनेस को दिखाए समझाए आगे बढ़ाए, मिस्टर शैलेश सिंह सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लास। नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन ये बिजनेस के मैं बोलता हूँ, मैं बिजनेस को टैक्स बोलता हूँ, अप्लाई को टैक्स बोलता हूँ। ये बिजनेस की वजह से आज हम पैसा कमा रहे, बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ में सर कम से कम 10 कार अच्छी हो रहे हमारे टीम में, और इसी बिजनेस को रैंक होल्डर कम से कम 125 लोग है अपने अंडर में। एक चीज में बता रहा हूँ, बिजनेस के ऊपर भरोसा करो और आइए बिजनेस में कुछ बड़ा करेंगे। देखो डिसीजन एक लेना पड़ेगा, लाइफ में परिवर्तन करना है तो कोई बाजू वाला डिसीजन लेता है क्या? एक डिसीजन खुद लेना पड़ेगा अपने लाइफ में। अपने को घर चाहिए, अपने को गाड़ी चाहिए, अपने को फॉरेन ट्रिप चाहिए, अपने को लाखों रुपया चाहिए तो बाजू वाला दे सकता है क्या? एक डिसीजन खुद लो, तत्काल में फॉर्म करके, तत्काल में गूगल पे फोन पे जो भी करना है तत्काल में करके नाम डालो। 100% मैं बता रहा हूँ ना, लाइफ में बदलाव होगा। करने के लिए तैयार है? आओ मिलकर कुछ करेंगे। जय हिंद, जय लगते हैं, जय लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। ये जनाब साइंटिस्ट है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बीच में भी बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हुए है ना। सोचूंगा, देखूंगा, रिसर्च करूंगा। कितने लोग साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ? हाँ, समझ में आ गया कौन कौन साइंटिस्ट है। तो ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला है जिसके वजह से कई लोग कामयाब बन सकते हैं। क्यों? तो क्या आप भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। दोस्तों नाम है प्रमोद मोरे। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं मिल्क इंडस्ट्री में काम किया था। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने एमबीए किया है, स्पेशलाइजेशन रहा है सेल्स एंड मार्केटिंग। 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये एक्सपीरियंस के साथ अपनी जिंदगी मस्त चल रही थी, और इसी तरह में इस बिजनेस को एक अजनबी शख्स ने मुझे दिखाया। और वो अजनबी शख्स जब इस बिजनेस को देख रहा था तब मेरे पास जो डिग्री थी वो डिग्री के वजह से थोड़ा सा होता है ना, शानपत्ती जिसको कहते हैं, वो शानपत्ती अपने पास थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने बिजनेस को दिखाया वो उस समय मेरे सामने बिजनेस दिखाने के लिए आया, उनकी एजुकेशन महज 9th पास है। तो आप सोचिएगा कि 9वीं पढ़ा हुआ लड़का इस बिजनेस को दिखा रहा है और एक एमबीए पढ़ा हुआ लड़का इस बिजनेस को देख रहा है, तो शाना को सीधी सी बात है। लेकिन ये पता चला कि वो 9वीं पढ़ा हुआ लड़का इस बिजनेस के जरिए महीने का 18 लाख रुपया कमा रहा है और यानी 1 करोड़ की जैगुआर गाड़ी से घूम रहा है। ये पता चला और मैं अपने आप को देख पाया कि 20 साल काम करने के बाद महीने की 50,000 रुपए खाल रही थी। अब बताइए शाना कौन है? उस समय मुझे अपनी औकात पता चली दोस्तों, और उसी समय मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। ये बिजनेस को करने का निर्णय लिया और इस जैसे ये सर साइंटिस्ट है ना, मैंने भी थोड़ा सा साइंटिस्ट बन के खोजबीन करी और पता चला कि दुनिया के सारे रेनाउंड लोग इस बिजनेस को कह कर रहे हैं या कह रहे हैं कि इस बिजनेस को करना चाहिए। तो क्या हमें करना चाहिए? यानी अमेरिका की जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने कहा इस बिजनेस को आपको करना चाहिए। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कितने लोग जानते हैं?
हंगरी पितुरगढ़ में रहते हैं। इनका कहना है, इनका कहना है, इन्होंने एक किताब लिखी है Why We Want You To Be Rich। इस किताब के 291 पन्ने पर तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने कहा है, देखिए ये रिनाउंड लोग क्या कहते हैं, If you're serious about becoming an entrepreneur, if you're serious about becoming an entrepreneur, then select a good network marketing company with a great training program and dedicate yourself at least for the 5 years. You will find you will be the richest person of your town. अगर आप जीवन गंभीर है बड़ा व्यापार करने के लिए तो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सिलेक्ट करें जहां अच्छे ट्रेनिंग दिए जाते हो। अपने आप को 5 साल के लिए समर्पित करिए, आप पाएंगे कि आपके एरिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो बिजनेस में ऐसी ताकत है तो क्या ऐसे बिजनेस को करना चाहिए? दोस्तों हमने कर लिया, आप बारी किसकी है तो कर लीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जैसे कि अब सारे लोगों के लिए जोरदार ताली होती चाहिए, स्पेशली कहूंगा जो यहाँ पर है ना, सात से लेके आगे चल रहा और आने वाले कुछ पदक खड़े होके हम जैसे लोगों को और आने वाले पल में कुछ लोगों को सुनने वाले, तो इनके लिए जोरदार ताली। यही था 2015 से मैंने भी भाई खड़े होके एक बिजनेस को देखा था, कहीं बैठे हुए एक बिजनेस को देखा था। स्पेशली मैं मराठी फिल्म में करता था, मैं एडिटर था और एडिटिंग करते करते इस बिजनेस में 2015 में मैंने शुरुआत, जब शुरुआत की तो फ्रेंड ने इस बिजनेस को बताया। आज वो मेरे लिए गुरु है, मेंटर है, आइडल है, एनटीसी मिस्टर सचिन कागड़े सर, इनके लिए जोरदार ताली। मैं राकेश सर एडिटर गायन में हूँ, पैसों का इशू था क्योंकि एक्टर लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन 2015 में 2010 में मेरे बाबूजी गुजर चुके थे, तब पता चला कि जिंदगी क्या है। और 2015 में नॉबिट फैसिलिटी का मुझे कहीं ना कहीं मौका मिला और इस बिजनेस को मैंने टायर किया, कुछ प्रोडक्ट खरीदी। अगर मुझे बताइए कुछ प्रोडक्ट खरीदी करके अगर आपकी भी जिंदगी बदलने वाली तो करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, बैठते हैं कहीं ना कहीं बाहर जाके बगल वाले को पूछते हैं क्या मैं करूँ, वो बगल वाला बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं, तू भी साथ रे मेरे साथ। अपने सपने हमने क्यों मारे किसी बगल वाले को पूछे, लेकिन वही अगर खुद का निर्णय आप खुद लेते हो तो दावा करता हूँ आने वाले पल में वहां से उठकर आप आने वाले 3 साल में आप सबसे जितने की ताकत चाहिए। तो यही काम करिए, लेकिन मेरे जब बिजनेस की शुरुआत की तो 1.5 लाख की तनख्वाह को मैंने ब्रेक किया, वाई 1.5 लाख का ऐसा अकाउंटिंग काम करके अच्छा खासा सेटल टाइम में, फिर भी इसी बिजनेस को कम उम्र में 35 के उस एज में आज इसी बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस से मैंने दूसरा घर परवे में परचेज किया, बिजनेस की बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी उम्र से इसी बिजनेस में लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बेच बेच के गांव जा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं था, राइट है, हमें राइट यस, यही हालत है। लेकिन इसी बिजनेस की ताकत में कहता हूँ क्योंकि जैसे संकेत सर ने कहा कि पूरा कोविड प्रूफ हमारा बिजनेस है, वाटर प्रूफ बोलता है, जैसे कि इसी बिजनेस की ताकत है। मैंने लॉकडाउन में मार्च में 2021 में एक चमचमाती बोर देने लिए यकीन ना आए मुझे जाके दिखते मिलना, मेरी सिंगल आईडी से मल्टीपल आईडी पे काम करता हूँ। मेरी एक सिंगल आईडी लॉकडाउन के पीरियड में 10.5 लाख से भी ज्यादा कमाई बिजनेस की बड़ी मैंने तो कमाया, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जिनके पास जिंदगी बदलने का मौका नहीं था, मैंने मौका दिखाया और इस बिजनेस में आज वो कहीं ना कहीं तो बड़े रैंक पे। तो मुझे बताइए जिंदगी में खरीदी करना नुकसान है? नहीं। करना नुकसान है? नहीं। आवाज तो देते हैं? नहीं। नुकसान है? नहीं। आइए शुरुआत कीजिए, अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, हम जैसे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, तो दावा है आने वाले पल में आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।